बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच जनाब आपकी मोहब्बत चाहत खलूस का चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का मेज़बान। और अगर आपको कुछ मैं दिखा सकूँ, पीछे अगर आप देख सकते हैं और आपको लाइट टावर जो है वो दिखाई दे रहा है, तो जनाब नेशनल स्टेडियम कराची है ये, जहाँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का आज पहला दिन था। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाइट टावर्स जो हैं वो नेशनल स्टेडियम कराची के ऑन हैं, कोई काम हो रहा होगा। दूसरी तरफ जनाब आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक तब्दीली की, जोश हेजलवुड को उन्होंने अपनी टीम में शामिल नहीं किया और उनकी जगह जनाब मिचेल स्विपसन पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए मुंतखब हुए। लेग स्पिन बॉलर और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जो थे, उन्होंने जनाब चंद घंटे पहले ही इस बात का अपनी प्रेस टॉक में खुलासा कर दिया था कि स्विपसन जो है वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं। कुछ यही मामला टीम पाकिस्तान के हवाले से भी हमें नज़र आ रहे थे। और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबर कि दो फिट खिलाड़ी जो हैं वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा बने, फहीम अशरफ और हसन अली, और इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आज ऑस्ट्रेलिया की गिरने वाली 3 विकेटों में इंतहाई अहम रहा। उसके अलावा जनाब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी कर रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड की मेज़बानी कर रही है और भारत की क्रिकेट टीम जो है वो श्रीलंका की होम ग्राउंड पर मेज़बानी कर रही है। पहले टेस्ट मैच में टॉस पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम जीते थे और पाकिस्तान ने पहली इनिंग 4 विकेट 476 पर डिक्लेयर की थी। और आज सेकेंड टेस्ट मैच का टॉस टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस जीते और पैट कमिंस जो हैं उन्होंने आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 36 रन बनाने के बाद फहीम अशरफ की गेंद पर विकेट कीपर रिजवान को कैच दे बैठे। डेविड वार्नर मानोस लबुशैन अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हुए, अनलकी रहे, और एक बहुत ही शानदार फील्डिंग के नतीजे में साजिद की उनको पवेलियन लौटना पड़ा, शायद उन्होंने सोचा नहीं था। पहले सेशन में पाकिस्तान ने 27 ओवर डाले और ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 100 रन स्कोर किए। दूसरे सेशन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो था वो 172 रन रहा और इस सेशन में भी पाकिस्तान ने कमोबेश 27 ओवर ही कराए और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग के स्कोर में मजीद 72 रन का इजाफा किया, कोई खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ। और आखिरी सेशन जो था वहाँ पाकिस्तान ने कुछ लगभग 36 के करीब ओवर डाले और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आज जब ख़त्म हुआ पहले दिन का खेल तो 3 विकेटों के नुकसान पर 251 रन स्कोर किए थे। मार्नोस लबुशैन, फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, ये विकटें पाकिस्तान के बॉलर हासिल करने में कामयाब रहे। और अगर इमामुल हक का कैच कर लेते नेथन लियोन का तो ये पाकिस्तान की आज 4th विकेट होती। नाइट वॉचमैन वो आए हैं स्टीव स्मिथ के आउट होने के बाद, जिनका स्लिप में इंतहाई गैर मामूली कैच लिया अपने बाएं तरफ गिरते हुए फहीम अशरफ ने, जिन्होंने वार्नर की विकेट हासिल की थी, और पाकिस्तान टीम को सब्र आजमा इंतज़ार के बाद जो है वो यहाँ पर कामयाबी मिली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के इनिंग की खास बात जनाब उस्मान ख्वाजा की शानदार सेंचुरी थी, जो अनलकी रहे थे पिंडी के स्टेडियम रावलपिंडी में, वो सेंचुरी नहीं बना सके थे, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा खूब खेले हैं। 266 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 13 चौके 1 छक्का, नॉट आउट 127, और उनके साथ बैटिंग करने के लिए अब क्रीज पर मौजूद है नेथन लियोन। और आने वाले बैट्समैनों की अगर हम बात करें तो मैथ्यू वेड हैं, सॉरी आने वाले बैट्समैनों में जो है ट्रेविस हेड हैं जो विकेट कीपर भी हैं ऑस्ट्रेलिया के, बट उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे एलेक्स कैरी जो कि इस टेस्ट मैच में एज ए विकेट कीपर खेल रहे हैं, फिर कप्तान पैट कमिंस हैं, और उसके अलावा जनाब आने वाले बैट्समैनों में जो है वो कैमरॉन ग्रीन है जो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और उसके साथ मिचेल स्विपसन जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बॉलिंग के हवाले से बात करता हूं तो शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ, साजिद, नोमान, बाबर, अजहर अली, ये जनाब आज 7 बॉलर्स का कप्तान बाबर आजम ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान टीम ने नया बॉल भी लिया और नया बॉल जो था उसको लेने के बाद 3री गेंद पर जो है एक रिव्यू में पाकिस्तान टीम गई। उस्मान ख्वाजा के खिलाफ कोर्ट में आई इनकी अपील हुई जिसको जो है वो तीसरे अंपायर ने अलीम डार के हक में फैसला दिया, जो ख्वाजा को पहले ही नॉट आउट करार दे चुके थे। तो अब पाकिस्तान के पास 2 और ऑस्ट्रेलिया के पास 3 रिव्यू जनाब बाकी हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो हसन अली ने 12 ओवर में 31 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, फहीम अशरफ ने 13 ओवर में 32 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया, और 17 ओवर में
39 रन के बदले कोई विकेट हासिल नहीं कर सके शाहीन शाह आफरीदी, जबकि 19 ओवर में साजिद खान ने 71 रन दिए हैं, 25 ओवर में नुमान अली ने 56 रन दिए, जो कि पिंडी टेस्ट मैच में 107 रन देकर 6 विकेटों के उसूल में कामयाब रहे थे। दो ओवर बाबर ने कराए और दो ही ओवर जो है वो अजहर अली ने डाले। ओवरऑल अगर आज के पहले दिन के खेल की हम बात करते हैं तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि पहले टेस्ट मैच में जिस तरह रिधम के साथ बड़ी उमदा लाइन लेंथ के साथ नसीम शाह, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए बड़े लीथल साबित हुए थे, कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने 5 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आउट करके पेश की थी जिसमें बाबर आजम की विकेट भी शामिल थी, उनको शामिल नहीं किया गया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखते हैं तो उन्होंने जनाब जोश हेजलवुड को ड्रॉप किया और पिच को देखते हुए, और पाकिस्तान टीम जो थी उसने जनाब आज 3 सीमर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। पाकिस्तान टीम जो थी वो जनाब 2 सीमर्स के साथ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में उतरी थी और इफ्तिखार की जगह जो है वो फहीम अशरफ टीम में आए। तो अब सवाल ये है कि किसकी जगह आप रखते नसीम शाह को? तो अगर आपको नसीम शाह को खिलाना था तो फिर आपको हसन अली को ड्रॉप करना पड़ता, और बहरहाल नहीं किया, अपनी मर्ज़ी के फैसले हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक तरफ मिचेल स्विप्सन को डेब्यू करा रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम और हम डर रहे हैं डेब्यू कराने से जाहिद महमूद को, फिर दूसरी तरफ आज जब मैं मीडिया बॉक्स में मौजूद था वहाँ पर यही सवाल हो रहा था जनाब के वेयर इज़ यासर शाह? तरबियती कैंप में मौजूद थे मुल्तान में, वो पाकिस्तान कप में बॉल डाल रहे हैं, उन्होंने आधी टीम को भी आउट किया है, लेकिन उनको हम टेस्ट मैच के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। पाकिस्तान के कामयाब स्पिन बॉलर हैं, UAE में बड़ी उमदा बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है, उनको हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, एक बड़ा सवाल है। फिर अब्बास मौजूद हैं और जब पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ तो फिजियो के साथ अब्बास, फिर जो है वो सरफराज पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन जो है वो ड्रिल करते हुए फिटनेस के हवाले से जो है मुझे दिखाई दिए। अच्छी खासी तादाद में ऑस्ट्रेलियन जो मीडिया है और वो भी नेशनल स्टेडियम कराची में आया, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में आज जो पहले दिन की खास बात थी वो आवाम का जोश व खरोश है। सैटरडे और कल संडे है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल बड़ी तादाद में लोग इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए नेशनल स्टेडियम कराची का रुख करेंगे। और ऐसे मनाजिर जब मैंने देखे, जब मैं निकल रहा था नेशनल स्टेडियम कराची से आज मैच के पहले दिन के बाद, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। हमारे बिल्कुल दाएं तरफ जो है हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर है, इस तरफ जो इमरान खान इनक्लोजर है, और वो जिस तरह मेन गेट से इनकी जो है वो एंट्री है और जिस तरह लोग जा रहे थे, यकीन मानिए दिल को बहुत खुशी हो रही थी। क्योंकि अमूमन टेस्ट मैच में हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि लोग मैच देखने के लिए आते हैं, क्योंकि या तो PSL के मैचेस लोग देखते हैं या फिर वन डे मैचेस देखते हैं या T20 मैचेस देखते हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और 2009 के बाद पाकिस्तान में बैनुल अक्वामी क्रिकेट जो है वह आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, जिसका सिलसिला 3-4 साल पहले शुरू हो चुका है। माजी के क्रिकेट बोर्ड ने जो कोशिश की थी वो जनाब अब पाए तकमील तक पहुँचती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी टेस्ट मैच जो है पिछले कई सालों में हमने UAE में कवर किए, जहाँ पर बिल्कुल हु का आलम होता था, सन्नाटा होता था, दुबई अबू धाबी में टेस्ट मैच ज़रूर होता था, लेकिन लोग जो हैं वो चंद गिनती के लोग आते थे सिर्फ। और लेकिन आज यकीन जानिए बड़ी खुशी हुई। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो टेस्ट मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आ रहे हैं और 100% लोगों को मैच देखने के लिए अलाउ किया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि एज़ कम्पेयर सैटरडे मैच का जो दूसरा दिन संडे है, छुट्टी का दिन है, लोग बड़ी तादाद में जो है वो इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आएंगे और अपनी फैमिली के साथ आएंगे, और लंच के बाद जो है अगर कोई कमिटमेंट है, कहीं शॉपिंग पे लेके जाना है, घुमाने के लिए लेकर जाना है, तो फिर वो अपनी इस कमिटमेंट को फुलफ़िल करेंगे। लेकिन पहले आप में उम्मीद है कि संडे को लोग जो हैं वो भरपूर तादाद में, चाहे नसीमुल गनी इनक्लोजर हो, चाहे वसीम बारी इनक्लोजर हो, चाहे वसीम अकरम इनक्लोजर हो, चाहे जावेद मियादाद इनक्लोजर हो, चाहे कायद इनक्लोजर हो, चाहे हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर हो, बड़ी तादाद में हम लोगों को विटनेस करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेकेंड टेस्ट मैच के सेकेंड डे। दूसरी तरफ जनाब आज तौसीफ अहमद साहब भी आए हुए थे, जिन्होंने यहीं आज से कुछ करीबन 40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था। एशियन बैटमैन ज़हीर अब्बास साहब टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए जो है वो 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, और फैसल साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान की जगह हॉल ऑफ फेम में कुछ अर्से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया था एशियन बैटमैन ज़हीर अब्बास साहब को, उनको जनाब एक
फ्रेम पेश किया जिसमें ज़हीर अब्बास की एक पोर्ट्रेट थी और उनका जो टेस्ट करियर है और वो वहाँ पर मौजूद था। वसीम बारी साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन विकेट कीपर, वो भी आज इस टेस्ट मैच को विटनेस करने के लिए आए थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आज के पहले दिन जिस तरह बॉलिंग की नोमान ने, जिस तरह बॉलिंग की साजिद ने, पेशेंस के साथ बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने, और काफ़ी लंबी बैटिंग कर गए आज स्टीव स्मिथ, और आज एक बार फिर वो सेंचुरी नहीं बना सके और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है स्टीव स्मिथ एक बड़ी इनिंग खेले ज़रूर, लेकिन 214 गेंदों उन्होंने 7 चौकों की मदद से 33 का उनका स्ट्राइक रेट था 72 रन बनाने के लिए। और अगर हमारे यहाँ पर कोई बैट्समैन होता उसको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ता। तो भाई अज़हर अली सिर्फ स्लो नहीं खेलते, इमामुल हक सिर्फ स्लो नहीं खेलते, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन भी, दुनिया के बैट्समैन भी जो हैं वो स्लो खेलते हैं, और आज उसकी एक बड़ी मिसाल थी स्टीव स्मिथ। आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग कहाँ फिनिश करेगी, पाकिस्तान के लिए इस पिच पर क्या मौजूद है, क्या कुछ डिफरेंट होगा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच में एज कम्पेयर टू इंडिया टेस्ट मैच? मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।